प्रेस वार्ता में आपका हार्दिक स्वागत। सबसे पहले हमारे बादशाहपुर से विधायक श्री राकेश दौलताबाद के जो असामयिक निधन हुआ है, बहुत ही हमारे इलाके के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, समाज सेवी थे, धार्मिक व्यक्ति थे, लोगों में बहुत लोकप्रिय थे। उनके निधन से बहुत हमारे दक्षिण हरियाणा की राजनीति को बहुत नुकसान पहुंचा है। उनके असामयिक निधन पर मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं और शोक संतप्त परिवार को परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और उन्हें इस जो भीषण संकट आया परिवार पर, उनको सहने की शक्ति प्रदान करें। साथियों, भी कल हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, कहने को पूर्व मुख्यमंत्री है पर अभी तक तो वही सर्वे सर्वा माने जा रहे हैं, वो कल यहाँ गुड़गांव में आए थे। उन्होंने प्रेस वार्ता की थी और बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने कहा कि सिरसा और रोहतक में विपक्ष ने बूथ कैप्चरिंग की और उसमें अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी दोषारोपण किया गया कि बोगस वोट कराई गई। ये आरोप पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा एक वरिष्ठ, जो भाजपा के सबसे वरिष्ठ जो नेता हैं प्रदेश के, उनके द्वारा लगाए जाने से ये बात स्पष्ट हो गई है कि वो कितने इस चुनाव से असहज हो चुके हैं। वो विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं बोगस मतदान का, जबकि सारे अधिकारी उनके द्वारा तैनात किए गए हैं, सारे कर्मचारी उनके द्वारा तैनात किए गए हैं, इलेक्शन कमीशन की उनकी कठपुतली बनी हुई है। उसके बावजूद जो विपक्ष को कहना चाहिए था, उन्होंने कहा इससे ये संकेत हमें अवश्य मिलता है कि जरूर इन्होंने जैसे पिछले चुनाव में गड़बड़ी करके दीपेंद्र हुड्डा जी को जैसे हराने का काम किया था, इनके अभी भी मंशा ये हो सकती है, तो बहुत सचेत रहने की भी जरूरत है हमें भी और इलेक्शन कमीशन को भी। हम ये अवश्य अनुरोध करना चाहेंगे कि जो काउंटिंग में इसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, अपने भी हम जानते एजेंट को हम सतर्क करेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी हम ये कहना चाहेंगे कि इस तरफ विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। अब 9.5 साल का शासन करने के बाद में उपलब्धि बता रहे हैं गुड़गांव के अंदर, और भाई 9.5 साल में क्या किया आपने? सारे इस प्रदेश को कर्ज के जाल में फंसा करके रख दिया, कानून व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से ठप करके रख दी। हमारे एक प्रदेश के प्रमुख दल इनेलो के एक प्रदेश अध्यक्ष को सरेआम गोलियों से भून दिया गया, 6-6 विधायकों को फरौती मांगी गई, उनको मारने की, जान से मारने की धमकी दी गई। कितने हमारे शहरों में हरियाणा के अंदर व्यापारियों से फरौती मांगी गई, उनको जान से मारने की धमकी दी गई। महिलाओं के साथ अत्याचार में ये प्रदेश आज हिंदुस्तान में सबसे है, ऊपर है। जो सामाजिक प्रगति जो सूचकांक है उसमें इन्हीं के सेंट्रल गवर्नमेंट के आंकड़ों के मुताबिक ही हरियाणा को सबसे असुरक्षित प्रदेश बताया गया है। हमारे किस तरह से किसानों के साथ इन्होंने कील ठोकी गई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना दी गई, ड्रोनों से हमले किए गए, रबड़ बुलेट फायर किए गए, कितने किसानों को अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा। यस, आज इन चीजों को अपना प्रायश्चित करने के लिए विपक्ष पर दोषारोपण करते हैं। आज ये बताएं कि भाई क्या कारण है कि हरियाणा बेरोजगारी में हिंदुस्तान में नंबर एक पर है। इनके केंद्रीय जो श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने
राज्यसभा के अंदर ये स्वीकारा है कि जहां 2014 में 2.9% थी जो दर बेरोजगारी की, आज 9% पे पहुंच चुकी है हरियाणा में, और जो राष्ट्रीय जो जो उसका स्तर है पूरा जो सबका वो 4.1 है, और ये सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर हरियाणा में है। आज प्रदेश पर 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है, जो 70,000 करोड़ का कर्जा था। एक यूनिट इन्होंने बिजली का उत्पादन नहीं किया, 1 इंच इन्होंने मेट्रो आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। 85 किलोमीटर की हुड्डा साहब के समय में हुई थी, चाहे वो दिल्ली से गुड़गांव की चाहे मेट्रो है, चाहे रैपिड मेट्रो है, चाहे बल्लभगढ़ की है, चाहे बदरपुर की है। और ये इतने झूठे लोग हैं, 6 सितंबर 2015 को प्रधानमंत्री ने फरीदाबाद में घोषणा की थी फरीदाबाद से गुड़गांव मेट्रो लाइन की, आपको ध्यान होगा। और 26 जनवरी 2015 को उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट किया था कि गुड़गांव से फरीदाबाद मेट्रो इसको अप्रूवल के लिए, और साथ ही हिसार को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए। ये 26 जनवरी 2016 का ट्वीट, आज 8 साल से ज्यादा हो गए, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई इस मेट्रो में की? जब तो कहा कि इसमें 5,900 करोड़ रुपया खर्चा आएगा, 32.14 करोड़ की इसकी किलोमीटर की इसमें बनेगी, 12 इसमें स्टेशन बनाए जाएंगे, क्या क्या ड्रामा किया, और वो तो हुआ नहीं। और पिछले साल 25 जून 2023 को जब वहां पर गए फरीदाबाद में मुख्यमंत्री जी पृथ्वीराज में, वहां जाकर के और घोषणा कराया कि बल्लभगढ़ से पलवल के मेट्रो मंजूर कर दी। अरे जो 8 साल पहले मंजूर करी थी उसका क्या हुआ? एक फूटी कौड़ी इन्होंने मेट्रो के लिए नहीं दी किसी भी तरह के, कोई भी इन्होंने विकास का काम कोई किया नहीं, और प्रदेश को कर्ज में डाल दिया। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, बार बार 33 बार पर्चे लीक हुए हैं इन पर, HPSC के और HERC के जो चेयरमैन है वो भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरे प्रदेशों से, यहाँ के इनको नहीं मिले, इसलिए यहाँ पर नौकरियां भी बाहर के लोगों को दी गई है जो भी दी गई। तो ये सारी मोर्चे पर ये सरकार विफल साबित हुई है। जो कौशल विकास रोजगार निगम के नाम से इन्होंने ड्रामा किया, कच्ची नौकरी, कोई किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं, जब चाहे कान पकड़ के उसे निकाल दें, और उसमें कोई मेरिट नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं, उनके अधिकारी को भी सस्पेंड होना पड़ा, खुली बोलियां लग रही, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, सारा जो खान घोटाला हुए, यमुना सेंट के घोटाले हुए, शराब के घोटाले, रजिस्ट्री घोटाले, सारे प्रदेश को युवाओं को नशे की चपेट में झोंक दिया, शराब में और चिट्टा में और उसमें तरह तरह की, तो पूरा जो है ना प्रदेश का इन्होंने। और जब आज प्रदेश के अंदर बहुत गुस्सा है, और हम ये कह सकते हैं कि 10 से 10 लोकसभा और एक जो विधानसभा का उपचुनाव है करनाल का, कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से जीतने जा रही है। आप पूछे कोई भी प्रश्न आपका? हाँ जी, अब आप ये बताएं, जो ये लोग जिनने 4.5 लाख बुजुर्गों की पेंशन परिवार पहचान पत्र को हथियार बना के काटी हो, 9.5 लाख गरीबों के पीले राशन कार्ड काटे हों, ये क्या आरोप लगाएंगे? जिम्मेदारी इनकी सरकार ये चला रहे हैं, उसकी तो फिर इनको शर्म आनी चाहिए, उसका भी आरोप ही हम पे विपक्ष पे लगा रहे हैं 10 साल से दे राज में। देखिए, इससे ज्यादा बेशर्मी की कोई बात हो नहीं सकती। सरकार अल्पमत में है, सबको पता है, 88 का सदन है, अब एक और विधायक 87 का रह गया, 87 का सदन है, 45 आदमी चाहिए इनको, 44 आदमी सरकार चलाने के लिए,
इनके पास 42 है, कांग्रेस के 30, तीन इंडिपेंडेंट जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे रखा है 33, 10 जेजेपी के 43, एक अभय सिंह चौटाला इनेलो के 44, एक बलराज कुंडू 45 जब विपक्ष में हैं, इनको तो कोई अधिकार नहीं रह गया। ये अभी भी बेशर्मी से ये कैबिनेट की मीटिंग बुला रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन की नियुक्ति कर रहे हैं और दूसरे फैसले लेने में लग रहे हैं, जबकि इनको पहले अपना विश्वास मत हासिल करना चाहिए। हमने मांग की है गवर्नर से कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और जनता से फ्रेश मैंडेट लिया जाए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो। ये हॉर्स ट्रेडिंग जो चल रही है, खरीद फरोख चल रही है, ये जेजेपी के विधायकों पर डोरा डालने में लगे हुए हैं, उनको खरीदने में लगे हुए हैं। इस खरीद फरोख को रोकने के लिए ही हम ये चाहते हैं कि भाई चुनाव हो और जनता फैसला करे कि सरकार किसकी रहे। जेजेपी के दो विधायकों से लिखवा कर दें, लें मिले गवर्नर को जाकर के मिलाया कि जेजेपी के दो विधायक हमारे साथ है, वो विधायक नहीं रहेंगे। एक हलोपा का है वो, इसलिए मैंने कहा है कि जो जेजेपी के विधायकों को तोड़ने के लिए इन ये प्रयास कर रहे हैं, उसी खरीद फरोख्त को रोकने के लिए ही हमने कहा है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो और फ्रेश मैंडेट जनता से लिया जाए। एक एक करके बात करो, जो सांसद बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं भीतर घात हुआ है, तो ये देखो कि वो जो कहते हैं कि अपनी पार्टी को कितना वो कहते हैं कि अनुशासित पार्टी है, ये तो उनके अपने ऊपर ही आ गया। उनका जो जो कैंडिडेट है वही ये कह रहा है कि भीतर घात हुआ है, तो फिर ये तो उनको सोचना चाहिए। अब ये पूरी तरह से सब सच सामने आ रहा है, ये बौखड़ाए हुए हैं क्योंकि सब जगह से सारी सीट जा रही हैं। अभी सिरसा रोहतक की कह दी, सोनीपत के बाप ने कह दी, एक एक करके सभी साफ होने। सोना और कोहना के आस पास जितने गाँव है वहाँ पे जितनी भी बूथिंग है वहाँ पे कांग्रेस पार्टी को उड़ गई, लेकिन गुड़गांव में ऐसे कई बूथ है जहाँ कांग्रेस पार्टी को बूथ खाली था और नहीं गया, तो ऐसे में आपको क्या लगता है? मैं देखो वो लोगों ने वोट डाल दिया अपना अपना, और हमें जनता के ऊपर भरोसा होना चाहिए, जनता के ऊपर भरोसा होना चाहिए। जनता सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है, जनता मालिक है। हम जनता का धन्यवाद करते हैं, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से सारे प्रदेश में चुनाव हुआ है। हम तो सारे अधिकारियों और कर्मचारियों का भी धन्यवाद करते हैं कि शांतिपूर्वक ढंग से सारे प्रदेश में चुनाव हुआ है। अब उसी तरह से ईमानदारी के साथ ही गिनती हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जनता जिसको मैंडेट दे उसका वोट हो जाएगा, सबके सामने आ जाएगा। अब संगठन की तो बात में कर लेंगे, संगठन तो जो है ना पूरी तरह से अब कांग्रेस ने दिखा दिया ना कि कांग्रेस का संगठन कितने, ये पन्ना प्रमुख कहाँ गायब हो गए ये आपको रिजल्ट बता देगा 4 तारीख को पन्ना प्रमुख कहाँ है। 10 के 10 लोकसभा और विधानसभा का बाई इलेक्शन करनाल का नहीं, वो अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। इस बात को पहले तो वो कहते थे हम 10 लाख से जीतेंगे। अच्छा ये बताइए अध्यक्ष जी, कुछ ईवीएम का भी आपको लगता है कि बाद में ईवीएम का ठीक ठाक हो या अभी आपको थोड़ा नहीं? देखिए ईवीएम का अलग से मैटर चल रहा है और वो सारे सुप्रीम कोर्ट तक है और सारे विपक्ष ने उसमें संयुक्त रूप से कहा है, कुछ शंकाएं जाहिर की हैं कि भाई हमेशा जब से चुनाव का सिस्टम हुआ है भाई शाम को वोट खत्म होती है, उससे 2-3 घंटे 4 घंटे बाद बढ़ जाती है, उसका पता लग जाता है कि कितने वोट पोलिंग हुई, ज़्यादा से ज़्यादा अगले दिन तक सुबह तक। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है देश के अंदर कि जो 11वें दिन 1,07,00,000 वोट बढ़ गए 6.5%, तो ये एक अजूबा हुआ है, उसके ऊपर सभी आशंकित हैं और उसका सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान ले रखा है। वो सभी हमारा इंडिया गठबंधन उस बारे में सतर्क है और उसमें देखते हैं क्या होगा। तो हरियाणा में भी लग रहा है ऐसा हो सकता है। अब जो
ईवीएम में अब कहाँ कहाँ कितनी बढ़ोतरी हुई है ये अभी हरियाणा के आंकड़े हमारे पास आए नहीं है। जब आम स्ट्रॉन्ग रूम में है इस समय ईवीएम मशीनें थ्री लेयर सुरक्षा में रखी हुई है ऐसा स्ट्रॉन्ग रूम है तो सारे देश में ही है। स्ट्रॉन्ग रूम में हम कब बता रहे हैं स्ट्रॉन्ग रूम में नहीं है, हम तो ये हम ये कब कह रहे हैं कि खुले में है किसी टीन के अंदर या किसी फड़ पर रखी हुई है। हम तो ये कह रहे हैं कि 1,07,00,000 वोट कैसे बढ़ गई वो 11वें दिन क्यों बता रहे हैं, वो 11वें दिन क्यों बता रहे हैं। वो जिस दिन चुनाव हुआ था उससे अगर उस दिन नहीं बता सके रात को अगले दिन जो फॉर्म 17C में सारी वो जानकारी होती है अपलोड होती है वहाँ, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में नहीं तो जो स्टेट इलेक्शन है यहाँ पर जो चीफ इलेक्टोरल अफसर है स्टेट का वहाँ तो सारा ये कंसोलिडेट होकर के वहाँ जाता है डाटा, वहाँ पर कंसोलिडेट हो जाए और वहाँ पर उनको नहीं है यहाँ पर बताते। लेकिन जनता को ऐसा कोई मौका नहीं मिलना चाहिए जिससे जनता को बहम हो, उसमें कोई किसी भी तरह का लोगों को कोई शंका व्यक्त करें उनको संशय हो, तो इसको दूर करने का काम इलेक्शन कमीशन का है, उसमें क्या सच्चाई है ये सामने आएगी बात। कौन कौन सी सीट पे आपको लगता है कड़ा मुकाबला है या फिर 10-10 जीत रहे हो? 10-10 हम कंफर्टेबली जीत रहे हैं, कहीं मुकाबला कहीं कोई मुकाबला नहीं है, पूरी तरह से भाजपा और सिरसा सीट पूरी तरह से इनको क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। अध्यक्ष जी अभी एक साथी ने पूछा कंकन के बारे में, तो आपने कहा कि कंकन भी चाहिए रिजल्ट बताएगा। हाँ संगठन का हमारा काम चल रहा है, अब हर जिले में हमारे प्रभारी हैं, हमारे ब्लॉक प्रभारी हैं, हमारे पार्लियामेंट के प्रभारी लगे हुए हैं, हमारा सारा काम चल रहा है, जब भी व्यवस्थित ढंग से चल रहा है, जब भी हमारे सारे जो प्रोग्राम हुए हमारी जो जलसा रैलियां वगैरह हुई हैं चाहे पहले विपक्ष आपके समक्ष हो चाहे राहुल जी की जो यात्रा हो चाहे अब जो चुनाव में जो गए हैं तो जो जबरदस्त जो लोगों का जो हमें सहयोग मिला है सब जगह से जो जन समर्थन मिला है वो इस बात का है कि पूरी तरह से नहीं संगठन का जब होगा मौका संगठन भी बनेगा। अब इस समय जो वर्तमान की जो परिस्थिति है जो खट्टर साहब ने आके कहा उन पर डिस्कस करने के लिए ये प्रेस वार्ता बुलाई है, इस पर करो। आपकी संगठन की बात उठाई आपने उसका भी मैंने आपको जवाब दे दिया, संगठन भी जो है वो हमारी भी हमारी चलता है। अब तक भी इस बार मेवात के तीनों विधानसभाओं में वोटिंग प्रतिशत कम रहने का क्या कारण? पूरे प्रदेश में ही अब की बार मतदान की प्रतिशत अब की बार कम रही है और समझता हूँ कई तरह की उसमें कारण रहे हैं। सबसे पहले मौसम का अत्यधिक गर्मी होना उसका कारण था और कई हमारे यहाँ इलाके में कई तरह की शिकायतें भी मिली, कहीं ईवीएम की बात भी थी, कहीं ऐसा भी है कि मतदान को धीमा चलाने की भी मिली है, तो इन चीज़ों के है कई है, ज़्यादा नहीं है 67% जब भी हमारे उसमें हुआ है और मैं बताता हूँ कि राज्य की जो वो है प्रदेश में जो है आपकी बात उपेक्षाकृत कम मतदान हुआ है, उसके लिए हम समझते हैं कि गर्मी का जो अत्यधिक गर्मी का और आज भी देख सकते हो कि किस तरीके की गर्मी है तो इसका नुकसान होगा कांग्रेस को लगता है। कांग्रेस का तो अपना मत जो है वो डल गया है किसी चीज का ऐसा मतदान के लिए नहीं रिजल्ट बताएगा किसी चीज जिले में कितना आपको लगता है कि कितनी लीड लेकर के आप लोग निकलेंगे? कई लाख की लीड आई, थोड़ा अनुमान बता दीजिए लाख। वो तो 4 तारीख आ जाएगा सारा रिजल्ट ही आ जाएगा। राहुल जी से पूछा क्या बात हुई, राहुल जी से किरण चौधरी ने कोई बात कही, दान सिंह जी ने कोई बात की तो राहुल जी को पता है या फिर राहुल जी या किरण चौधरी से आप पूछ वो कहने गुटबाजी का नहीं गुटबाजी क्या है, दोनों बैठे हैं मंच पर बैठे हुए हैं चर्चा कर रहे हैं बातचीत कर रहे हैं तो उसमें आप बहम में क्यों पड़ रहे हैं? जानता जी इस बार आपको लगता है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है? नहीं कहीं बिल्कुल बहुत कांग्रेस पार्टी ने सबने मिलकर के बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ा है सभी जगह बहुत अच्छे ढंग से, अगर ये गुटबाजी की खबर आ रही है तो बीजेपी की तरफ से आ रही है।
यार ये सारी चीजें हैं बताने की थोड़ी, अगर किसी किसी की कोई शिकायत होगी तो उसका संज्ञान लिया जाएगा, उसका कोई सबूत होगा। अभी एक हम जरूर ये बात कहना चाहेंगे कि जो इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, 40-47 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है, और इस समय बिजली की और पानी की इतनी भारी किल्लत बनी हुई है सारे प्रदेश के अंदर, 10-10, 12-12 घंटे के कट चल रहे हैं बिजली के, 1 घंटे बिजली आती है, 2 घंटे के लिए चली जाती है, रात को कई कई घंटे तक बिजली नहीं आती, कभी कभी तो 15-15, 16-16 घंटे तक बिजली नहीं होती, 7-8 घंटे में रहता है, और उसकी वजह से पानी की बड़ी भारी दिक्कत हो रही है और सारे प्रदेश में ये भारी दिक्कत है। तो हम ये चाहेंगे कि भाई जो है ना इसमें सरकार तुरंत इसको संज्ञान ले, ये बिल्कुल हर मोर्चे पर ये सरकार विफल साबित हुई है, प्रशासनिक मशीनरी वैसे इनका विश्वास उठ गया है, प्रशासनिक मशीनरी पर भी ये दोषारोपण करने लगे, तो अगर प्रशासनिक मशीनरी से भी विश्वास उठ जाएगा सरकार का, ये कोई काम नहीं ले सकते, या अधिकारी इनकी बात नहीं मान रहे जैसा ये प्रकट कर रहे हैं अपनी बातों में, तो फिर कैसे फिर इनको जो ना हाथ खड़े कर देना चाहिए, तो वैसे ही अल्पमत में, तो फिर ये क्यों कुर्सी से चिपके हुए, इनको जो है हमने रिजाइन दे करके जनता को मौका देना चाहिए कि दोबारा से मैंडेट ले और जनता जिसको चुने वो उस तरह से करे। आज पूरी तरह से त्राही त्राही मची हुई है सारे प्रदेश के अंदर बिजली पानी की। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, हमारा ओखला हेड से जो यमुना का पानी है वो 4 जिलों का गुड़गांवा कैनाल में जाता है, उसमें फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांवा और नूह जिले आते हैं, और उसमें भरतपुर राजस्थान तक का नहरी पानी मिलता है। 24 तारीख से यूपी सरकार ने उसमें बिल्कुल रोक लगा दी है, और हमने कल जो है स्वयं मिलके चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी ये मांग करी कि हमारे अपने हिस्से का पानी, क्योंकि अत्यधिक गर्मी होने की वजह से नहरी पानी की भी और जोहड़ों में पानी की भी, और आप समझ सकते हो कि हमें अपना हिस्सा पानी का इस तरीके से वंचित कर दिया जाए, और सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी है, ये हरियाणा के हितों से कुठाराघात हो रहा है, और हरियाणा के हितों की रक्षा राज्य सरकार को करनी चाहिए। ऐसी गर्मी में जब जरूरत है पानी की, एक एक बूंद के पानी की, नहरी पानी हमारा रोक दिया। अल्पत वाला आप बार बार कह रहे हैं अल्पत में सरकार है, खट्टर साहब ने कल अल्पत वाला पूरा उदाहरण लिया, उन्होंने कहा कि 40 विधायक हमारे 4 दो को बन जाएंगे, अभी 40 है, एक और आ जाएगा, वो तो जब पता बने जब ही ना हो सके 40 ही ना 41 को कह रहे हैं, एक हलोपा से है गोपाल कांडा 42 हो गए, 2 उन्होंने कहा कि जेजेपी से हमारे साथ, 3 उन्होंने कहा जेजेपी से नहीं हो सकते, जेजेपी से अभी हटा देंगे, 3 उन्होंने कहा निर्दलीय हमारे साथ, कहां निर्दल बताओ निर्दलीय कौन कौन है बताओ, 3 निर्दलीय वो तो उन्होंने कहा 3, अरे भाई आपको मैंने गिनती बता दी, 3 हमारे कांग्रेस के हैं, 3 निर्दलीय है जिन्होंने हमें समर्थन दिया, कितने हुए 33, 10 जेजेपी के, जेजेपी के आपकी साइड है 10 नहीं, हाँ उन्होंने कहा है, लिख के दिया है गवर्नर को, दिया है लिख के चिट्ठी दी है उनके नेता ने, जो उनके नेता ने 10 43 हो गए, चौटाला के 43 हो गए, 43 हुए, एक अभय चौटाला 44, बलराज कुंडू 45, अब आप उनको बता दो कि भाई उनके 3 इंडिपेंडेंट कौन से, भाई गोपाल कांडा तो हलोपा का है इंडिपेंडेंट, बलराज कुंडू और ये 3 ये हमारे साथ है, एक रणजीत इस्तीफा दे गया, इनके साथ कौन है, और ये जो हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं इसी खरीद फरोख्त को तो रोकने के लिए हम कह रहे हैं कि चुनाव कराए जाएं, ये जजपा के विधायकों को खरीदने में लगे हुए हैं, तोड़फोड़ में लगे हुए हैं, अब जजपा के विधायक कौन टूटेगा नहीं टूटेगा वो तो समय बताएगा, उसके लिए पहले तो इन्होंने सेशन बुला करके अपना बहुमत साफ करें, इस बात को जो ये कह रहे हैं प्रेस में कि हम 45 हैं, तो 45 को प्रूव करो विधानसभा के अंदर, जजपा के ये तो पता लगे कौन कौन है, उनसे लिखवा के लो, वो लिख के दें कि हमने जो है ना जजपा हमने छोड़ दिया और हमने बीजेपी के साथ है, हमने बीजेपी ज्वाइन कर लिया या बीजेपी के हम साथ हैं, ये बात उनसे लिखवा के दो, देना चाहिए कि नहीं, जजपा के खालियों कहने से जजपा के 10 मेरे साथ में,
वो तो जसपा के तो दो की कह रहे हैं, तीन भी कह सके, वो चार भी कह सके, मुंह से बोलने क्या करेगी आगे अब, क्योंकि चार जून के बाद क्या कुछ करने वाले। कांग्रेस ये चाहती है कि राष्ट्रपति शासन लगे और दोबारा से जनता का विश्वास हासिल किया जाए, और हम ये हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ है, खरीद फरोख्त के। इनके पास सारे हथकंडे हैं, सारे जो ना जितने भी जिस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड में और जिस तरह से इन्होंने घोटाले किए हैं सब जगह, जो हर जिले में पूरे देश के अंदर इन्होंने क्या प्राइम लोकेशनों में अपने जो फाइव स्टार टाइप इन्होंने अपने ऑफिस बनाए, ये भ्रष्टाचार के जो अड्डे जो खड़े किए हैं इनका पूरा बेनकाब हो गए। इन्होंने कोरोना उनके वो जो वैक्सीन लगाने वाली उससे भी ये चंदा खा गए, और जो फार्मेटिकल कंपनी है सारी वो दवाई भी नकली दे दी, सात कंपनियों से उनसे भी चंदा खा गए। चंदा दो धंधा धंधा लो, धंधा दो चंदा दो और हमें धंधा लो, तो ये पूरा वो कर रखा है। अध्यक्ष जी आप लोगों को राजपाल जी को पत्र दिया है, राजपाल जी ने तो जवाब दिया है इस तरह का? अभी कुछ नहीं आया राजपाल जी जो है ना, राजपाल जी अभी कुछ नहीं कर रहे क्योंकि आपको पता ही तो है। अच्छा, अग्निवीर योजना को लेकर एक थोड़ा सा बता दो, अब देशभक्ति और ईमानदारी आती है ऐसा कहना है मनोहर लाल का अग्निवीर योजना से, आप कह रहे हैं इससे? अब ये आप बताओ, किसी भी भाजपा के नेता को अग्निवीर योजना की सफलता बताते हुए किसी मंच पे आपने सुना है? अग्निवीर की प्रशंसा करते हुए सुना है? वोट मांगते सुना है कि अग्निवीर योजना के नाम से हमने वोट दो? अग्निवीर योजना ने इनको पूरी तरह से चेहरा बेनकाब कर दिया। अग्निवीर योजना इस फौज के साथ धोखा, हमारे युवाओं के साथ धोखा। फौज के जो हमारे जनरल है नरवणे, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि हमको पता नहीं था, हमें विश्वास में नहीं लिया गया, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री जी की योजना थी। अब आप ये बताएं कि चार साल का फौजी जिसको आधा प्रशिक्षित व्यक्ति, उसको आप पाकिस्तान चीन के बॉर्डर पर भेजोगे, अगर शहीद हो गया तो उसको क्या फैसिलिटी है, क्या दोगे उसको? शहीद भी दो तरह के बना दिए, ट्रेनिंग उनको पूरी नहीं, 17-18 साल का भर्ती हो, 22 साल का, 21 साल का, 23 साल का रिटायर हो जाए, उसका जीवन चौपट कर दिया इन्होंने। पहले कितने हमारे सड़कों पर 4 बजे उठ करके बच्चे दौड़ लगाते मिलते थे, अब सब ने अपना छोड़ दिया। तो अग्निवीर अग्निवीर बनना सारे देश में ही होना है, अग्निवीर की योजना का सारे देश में ही इतना विरोध है, जबरदस्ती इनके मुंह में तालुए में वो जीप चिपक गई है। अग्निवीर के बारे में कोई भी बीजेपी का बड़े से बड़ा नेता पूरे हिंदुस्तान में किसी भी प्रदेश का कोई अग्निवीर के नाम से वोट नहीं मांगता, कोई भी इसका डिमोनेटाइजेशन के नोटबंदी के नाम से कोई वोट नहीं मांगता, जीएसटी के नाम से कोई वोट नहीं मांगता। ये तो मांगते हैं कि कांग्रेस के राज आ गया तो दो भैंसे, एक भैंस कांग्रेस ले जाएगी, एक है ये वोट मांगे मंगल सूत्रों ले जाएगी। अध्यक्ष जी आपने जो सारी बातें बताई जो है सरकार के अगेंस्ट, फिर भी जनता जो है बीजेपी को पसंद करती है? बीजेपी को, हाँ बीजेपी को, अभी तो छोड़ दे, अब जब भी तुमने कहा कि पूरी तरह से सुपड़ा साफ होना, पूरा सुपड़ा साफ होना और केंद्र में भी।